किसी की मौत आती है ना तो दो तरीके का रद्द अमल होता है अरे भाई इनका बड़ा कारोबार है क्या होगा नंबर नंबर दो इनके बाल बच्चों का क्या होगा हम और आप इसी में फंसे हुए इनके कारोबार का क्या होगा बाल बच्चे का क्या होगा यारों ऐसा नहीं तीसरा पैगाम भी है आज वो गया है तो कल मुझे जाना है ये अगर याद आ गया तो मकसद हल है मौत का यही पैगाम इसलिए तीसरा पैगाम याद कि वो गया कल मुझे जाना है मैं क्या लेकर जाने वाला हूं ठीक है जनाजे को लोगों ने कांधा दिया है रखिएगा मुर्दे बोलते हैं अब आपको सुनकर ताजुब होगा मोल साहब आज तक तो सुना नहीं कि मुर्दे बोलते हैं हाँ मुर्दे सुनते तो हैं ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है लोगों को बताया जा रहा है मुर्दे सुनते हैं मुर्दे बोलते भी हैं मुर्दे खाते भी हैं मुर्दे महसूस भी करते और मुर्दे आराम भी महसूस करते हैं मुर्दे बैठते भी हैं मुर्दे देखते भी हैं क्या आपने इन तमाम चीजें सुनी है बेशक आपका जवाब होगा नहीं फिर एक ही चीज़ को सुनाते कि मुर्दे सुनते हैं अरे अल्लाह सुनाता है तो सुनते और सुनने के लिए बुजुर्गी दलील नहीं है मोमिन भी सुनते हैं मर्द भी सुनते हैं औरत भी सुनती है तो क्या कभी आपने देखा कि बुजुर्ग किसी औरत को बना ले नहीं तो पता ये चला जब जनाजा हमारा तैयार हुआ तो मुर्दे बोलते हदीस के अंदर आया सही बुखारी किताबुल जनाइज किताब नंबर तेईस हदीस नंबर एक हज़ार तीन सौ अस्सी अबू सद खुदरी रजील् तदीस कर जब जनाजा तैयार हो गया लोग कांधा देकर ले जा रहे हैं फैन कानत الانسان कानून अगर जनाजा नेक है तो जनाजा कहता है मुर्दा बोलता है मुझे जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो क्या आपने आवाज़ सुनी है नहीं और अगर बुरा है जनाजा हाय अफसोस कहाँ ले जा रहे हैं इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम चीजें इस आवाज़ को सुनती है अगर इंसान सुन ले लाईका बेहोश हो जाए पता चला मुर्दे बोलते हैं और बोलना बुजुर्गी की दलील नहीं है मुर्दे सुनते भी हैं और सुनना भी बुजुर्गी की दलील नहीं है अल्लाह सुनाता है हम और आप सुना नहीं सकते सूरह आतिल सूरह नंबर 35 आयत नंबर 22 वमा यस्तविल अहया बाईस जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं है इन मै शाह अल्लाह को चाहता है सुनाता है और आप खबर वालों को सुना नहीं सकते आइए एक हदीस के हवाले से इसको समझते हैं अगर हमने किसी को सुनने की वजह से बुज़ुर्गी का लेवल दे दिया है या हम बुज़ुर्ग समझने लगे हैं तो कहीं ऐसा न हो ये बात कुछ और निकल आए सही मुस्लिम किताबुल जन्ना किताब नंबर इक्यावन हदीस नंबर दो हज़ार आठ सौ चौहत्तर अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं कि नबी वसल्लम ने जंग बद्र के मकतुल के पास जब आप पहुंचे तो आपने क्या कहा يا ابو جهل بن هشام يا اميه بن خلف يا عتبه بن ربيعه يا شيبه بن ربيعه اليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا صلى الله سلم पहुंचे اي ابو جهل بن هشام اي اميه بن خلف اي عُطْبَةَ بن ربية اي شيبه بن अल्लाह ताला ने तुमसे जो वादा किया था वो पा लिये लेके तो पा लिया जो अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया था उमर में खताब ने जब ये सुना तो कहा जीबू व रसूल सल्लम आप ये बतलाइए वो कैसे सुन सकते हैं और कैसे जवाब दे सकते हैं जब तो मुर्दा हो गए वसल्लम ने क्या फरमाया माँ लिमा तुम बेसमिन तुम उनके मुकाबले में ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो लेकिन फ़र्क यह है कि वो जवाब देने की ताकत नहीं रखते पता ये चला अल्लाह सुनाता है तो सुनते हैं जवाब देने की ताकत नहीं रखते औलाद देने वाला अल्लाह रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने वाला अल्लाह परेशानी से निकालने वाला अल्लाह डॉक्टर को सही दवा लिखने की तोफ़ी देने वाला अल्लाह अरे ये भी तो हम जैसे बंदे हैं हमें कुछ दे नहीं सकते लेकिन लोग क्या करते इसके ज़रिए से चुना लगा देते तो संभल के रहिएगा याद कर लीजिए कि मुर्दे सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि और भी चीज़ करते हैं ठीक है जनाजा पहुंच गया है कब्र में रख दिया गया है एक और बात बता दूं तो ज़्यादा बेहतर होगी बात कि कब्र तो एक नाम ले लिया गया है लेकिन रूह निकलते ही हम बरसख़ी ज़िंदगी में चले जाते हैं चाहे हमको शेर खा ले दरिंदा खा ले चीता खा ले या हमको जलाकर राख कर दिया जाए और हवा में उड़ा दिया जाए या पानी में डाल दिया जाए या फिर गाड़ दिया जाए तमाम चीज़ें जो है वर्ज़ी ज़िंदगी है अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि सब के पोर पोर तक को जमा कर ले और सही बुखारी का वाक्य आपको याद भी होगा एक बादशाह था बहुत गुनाहगार था उसने अपने बच्चे से कहा जब मैं मर जाऊंगा ना तो मुझे देना और राख को इधर उधर फेंक देना नीयत क्या थी अल्लाह मुझ गुनाहगार को ना पकड़ सके लेकिन क्या हुआ उसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम राखों को जमा कर लिया और उससे हिसाबों किताब ले लिया तो अल्लाह ताला इस बात पर का है जब हम कुछ नहीं थे तो अल्लाह ने बनाया अब तो हमारा पूरा जिस्म है तो अल्लाह दोबारा पैदा क्यों नहीं कर सकता अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ मुहाल नहीं है वो अकेला सब कुछ करता है जी हाँ खबर के अंदर पहुंच गए लोग गाड़ के चले आए ज़रा गौर कर लीजिए क्या बीत रही है हम पर क्या हो रहा है हमारे साथ अरे कौन आ गए किससे हमारा वास्ता पड़ा है आज हमारी मदद के लिए कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है दुनिया के अंदर दोस्ती थी रिश्तेदारी थी लोग आते थे जाते थे हम दुनिया के अंदर बड़े थे सदरस थे हाकिम थे निगरान थे आज वही जगह पर हैं सभी लोग जमा हैं सोने के लिए बेहतरीन बिस्तर था आज कुछ भी नहीं है वही सफ़ेद चादर है दो गज जमी है जी हाँ आ गए मुनकिर नकीर, क्या तैयारी हमने की है वही है जगह जो आखिरत की पहली मंजिल है जो वहाँ कामयाब हो गया वो हर जगह कामयाब हो जाएगा सरन तिरमजी, किताब जोहद किताब नंबर चौंतीस हदीस नंबर दो हज़ार तीन सौ आठ गौर कीजिए इस हदीस पर हम और आप भी कब्रिस्तान जाते हैं कब्रिस्तान जाने के बाद हम और आप क्या करते हम में से अक्सर लोगों के हालात क्या हैं दिल कहीं और अटका हुआ है फोन पर बात कर रहे हैं कोई और चीज़ सोच रहे हैं वहां भी हंसी मजाक चल रहा है नहीं सहाब कराम की ज़िंदगी से इबरत हासिल कीजिए हम और आप अगर कब्रिस्तान जाते हैं और जाना है मुसलमानों के लिए पहुंचिए ताकि आखिरत याद आए सहाब कराम वहां जाते थे रोते थे उस्मान स्मान रजील्ला के ग़ुलाम हानि बयान करते हैं कान उस्मान इज़ा वक़ अला कब्र बका बखा यबुल्ह के उस्मान रजी अल्लाह तआला हो जब कब्रिस्तान जाते कब्र के पास खड़े होते इतना रोते इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती पता ये चला दाढ़ी रखना ताब कराम का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें और आपको रखना चाहिए इतना रोते इतना रोते दाढ़ी भीग जाती हम और आप भी जाते हैं कितना रोते हैं ये उस्मान गनी रज़ी तआला तनों है नबी वसल्लम ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी है आज वो आदमी इतना रो रहा है कीजिए कहा जाता है उनसे जन्नत कि जब जन्नत और जहन्नम का तस्करा होता है तो आप नहीं रोते हैं ये कब्र को याद करके क्यों रो रहे हैं याद कीजिएगा तो वो बयान फरमाते हैं कि नबी वसल्लम ने कहाब्रं आखिर

सुर इब्राहिम सुरह नंबर चौदह आयत नंबर सत्ताईस जो आयत मैंने पढ़ी थी शुरू में बिल यूसबीन साबित सब फ़िलयात दुनिया व फिल आखिर मा यशा अल्लाह ताला तमिनों को मजबूत फौल के जरिए दुनिया में और आखिरत में साबित कदम रखता है और अल्लाह ताला तालिमों को गुमराह करता है वो जो चाहता है करता है मोमिन को अल्लाह ताला साबित क़दम रखता है ये कब्र हम और आप उसको क्या समझ रहे हैं क्या है ये प्यारे हबीब जना मोहम्मद फरमाते हैं सुरान तिर किताब जोहत किताब नंबर चौंतीस दो हज़ार तीन सौ आठ मारा मैंने कब्र से ज्यादा भयानक मंजर नहीं देखा है नबी नबीम वही के जरिए बता रहे हैं अल्लाह ने उनको बतलाया तो क़ब्र से ज़्यादा भयानक मंजर नबी वसल्लम कहते हैं कि मैंने नहीं देखा है तो यारों हमें और आपको कितनी तैयारी करनी मेरे भाइयों और करना है बहनों के लिए बड़ा दर्श है सोचने का मकाम है कि उस घबराहट वाली जगह के लिए हमने क्या तैयारी की है जी हाँ हमारे पास आ गए लोग दफना के चले गए कोई साथ देने वाले अमल आपके साथ जाएगा कब्र के अंदर अमल काम आने वाला लोग दफना के गए हैं आ गए मुनकर नकीर कैसे हैं वो किस हालत में आते हैं वो सुनो भी दाऊद किताब सुनना किताब नंबर उनतालीस बाब नंबर तेईस बाबुलमसलतबर वजाबल हदीस नंबर चार हज़ार सात सौ तिरपन आ गए दो फरिश्ते जिसको मुनकर नकीर कहते हैं अब गौर कर लीजिए इम्तिहान तो इम्तिहान होता है ना इम्तिहान चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो इम्तिहान में तो अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं पसीने छूट जाते हैं अगर लड़का तेज है ना तो वो भी सोचेगा क्या होगा कैसे मैं पास हो पाऊंगा तो इम्तिहान चाहे छोटा हो इम्तिहान चाहे बड़ा हो परेशानी तो रहती है और जो मेहनत नहीं करता तो उसके लिए छोड़ दीजिए तो जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी घबराहट है अंदर क्या होगा आ गए मुनकिर नकीर कैसे है वो उनकी आंखें कैसी है नीली आंखों वाले तांबे से बना हुआ देगचा जो है उस तरह की उनकी आँखें हैं देख को आपने देखा है, देख चमकती हुई आँख है कि आँख देख कर जाए वो जब आते हैं तो अपने बालों से ज़मीन को रौंदते हुए आते हैं क्या मजाल है कोई टिक सके अल्लाह ताला जिसको साबित कदम रखता है वही टिक पाते हैं इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वहां हम लोगों को साबित क़दम रखे तैयारी तो कीजिए आ गए आदमी है बिल्कुल नहीं घबराता आराम के साथ बैठ जाता है तो पता ये चला मुर्दे बैठते भी हैं हदीस के अंदर आया वयाती है मलकान फयुजिलेसानी फरिश्ते आते हैं और दोनों मिलकर उस आदमी को बैठाते हैं तो मुर्दे का बैठना भी साबित है लेकिन हमें कोई नहीं बताता कि मुर्दे बैठते भी हैं तो मुर्दे बैठते भी हैं आ गए नेक आदमी है

एक अल्लाह का मानने वाला होगा और प्यारे हबीब जना मोहम्मद रसोल्लाम के तरीके पर चलने वाला होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला होगा और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला होगा उसी की ज़बान से अल्लाह ताल निकलवाएगा रब अल्ला मेरा रब अल्लाह है दूसरा सवाल मा दीन तुम्हारा दीन क्या है दीन अल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है इसलिए फ़ख्र के साथ कहिए दीन इस्लाम है पता चलना चाहिए हम मुसलमान हैं तीसरा सवाल होगा तुम्हारा क्या ख्याल है उस आदमी के बारे में जो भेजे गए यानी प्यारे हबीब जना मोहम्मद वसल्लम के बारे में सवाल हो रहा है जो नबी सल्ह की मानेगा नबी सल्लाम के तरीके पर चलेगा अल्लाह ताला उसकी जबान पे यह जवाब ले आएगा हो रसूल वो अल्लाह के रसूल है सल अल्लाह वसम अब आप सोच रहे होंगे कि मोली साहब चौथा सवाल क्या बयान करेंगे क्या बताने वाले है? वमा और तुमको कैसे पता चला इन तीनों सवालों के तुमने आसानी के साथ दे दिए कैसे पता चला याद कीजिएगा। किताब अल्लाह मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी मैं ईमान लाया और मैंने तस्दीक की चौथा सवाल कुरान के बारे में होगा आजकल हम और आप कुरान से कितना दूर होते तो जा रहे बोले कुरान समझना आपकी बस की बात नहीं है नहीं हर एक को कुरान पढ़ना है क्योंकि चौथे सवाल का जवाब फिर कैसे होगा अब आप ही बताइए कैसे हो पाएगा क्या कह सकते हैं हम और आप जी नहीं जो हमको मना करते थे वो कब्र में आकर बताएंगे जी नहीं हो ही नहीं सकता हमें और आपको उसकी तैयारी करनी है जो मोमिन बंदा है वो तैयारी करता है बंदा अगर कामयाब हो गया मोमिन है आवाज़ आती है, अन कद सदक अब्दी, आसमान से आवाज़ आती है मेरे बंदे ने सच कहा है फाफ रूह मिनल जन्ना वालबसूह मिनल जन्ना वफ़तलहुबा बनल जन्ना फयाती है मिन रू है वकीबिहा अब इसके लिए ज़न्नती लिबास पहना दो इसको जन्नती लिबास पहना दो जन्नती बिस्तरा बिछा दो जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दो जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दो खुशबू आ रही है फिर उसके बाद जहां तक उसकी निगाह जाए वहां तक कुशादगी कर दो कहा जाता है कि 35 बाय 35, यानी 70 गज तक कुशादगी कर दी जाएगी ने कमल साथ में होगा और ने कमल भी इंसानी शक्ल में होगा आदमी पूछेगा आप कौन है यहां क्यों आए तो वो नेक अमल क्या जवाब देगा इंसानी शक्ल में होगा मैं नेक अमल हूं ताकि मैं आपके साथ रहूं और आपकी तनाई को दूर करूं फिर तो तो उसके बाद गौर कीजिएगा क्या होने वाला है दिखाया जाता है ठिकाना जन्नत के अंदर दिखाया जाता है ठिकाना जहन्नम के अंदर गोया के हर एक के लिए दो ठिकाने हैं एक जन्नत में और एक जहन्नम में देख लो नेक अमाल किए तो ठिकाना जन्नत में हो गया और अगर बुरे अमाल किए होते तो ठिकाना जहन्नम में हो जाता नेक आमाल किए तो जन्नत में ठिकाना हो गया बुरे आमाल किए होते तो जहन्नम में ठिकाना होता गौर करने की बात गोया के दिखाया गया तो देखना साबित है मुर्दे देखते हैं लेकिन कभी आपने सुना कि यह कहा जाता है मुर्दे देखते हैं दोनों ठिकाना दिखाया जा रहा है अल्लाह ताला ने बदल दिया है यहां तक के जब जन्नत को मुर्दा देख लेता है फैज़ दादिबन व सुरूरा तो रच करने लगता है खुश हो जाता है उसके मुकाबले में याद कर लीजिए अगर बंदा मोमिन नहीं है क्या होगा काफिर है मुनाफिक है इनकार करने वाला है अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहिए अल्लाह ताला ईमान पर सबित कदम रखे और हमारी जान भी जब जाए तो ईमान पर जाए हमारा खात्मा भी हो तो ईमान पर हो वरना हालत बहुत गंभीर है कोई काम आने वाला नहीं क्या होने वाला है कैसे फरिश्ते आएंगे वही बुनकर नकीर आए पूछा मर रब्बुक तुम्हारा रब कौन है हा हा ला अदरी हाय हाय मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता मादीन उ तुम्हारा दीन क्या है हा हा ला अदरी हाय मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या ख्याल है उस आदमी के बारे में जो भेजे गए थे हा हा ला अदरी मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता उसके बाद क्या होगा

जहन्नमी लिबास पहना दो जहन्नमी बिस्तर बिछा दो जहन्नम की तरफ खिड़की खोल दो अब वहां से गर्म हवा आ रही है अल्लाह से पना मांगते रहिए, अरे कब्र मिली जा रही है एक दूसरे से यहां तक के पूरी पसलियां मिल जाती है इंसान का बदन चूर चूर हो जाता है और एक अंधा गूंगा बहरा फरिश्ता मुतयन कर दिया गया है हाथ में गुर्ज लिए हुआ लोहे का अगर एक गुर्ज लोहे का पहाड़ के ऊपर मार दे लसारा बन तो पहाड़ भी मट्टी हो जाए मारा जाएगा उसको मशरको मगरिब के अंदर जितनी भी चीजें हैं इंसान और जिन्नात के अलावा दुनिया की तमाम चीजें सुनती है सुम्मतो रूह फिर दोबारा रूह उसके अंदर लौटाई जाती है और यह सिलसिला क्यामत तक चलता रहता है दूसरी हदीसों के अंदर आया ठिकाना दिखाया जा रहा है इसको कौन सा ठिकाना कैसा ठिकाना अरे जन्नत के अंदर ठिकाना था अमल नहीं किया तो ठिकाना जहन्नम के अंदर हो गया फैजदाद हसरा व यहाँ मुर्दे तकलीफ महसूस कर रहे हैं उसे अफसोस होता है नदामत छा जाती है परेशान हो जाता है लेकिन अफसोस करने से फायदा क्या है यहां अफसोस करना है सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23, आयत नंबर निन्यानवे और आयत नंबर 100, हत्ता इज़ा जा अहदहुम अल मौत قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها जब उनकी रूह निकालने का वक्त आता है तो वो कहते हैं कि रब मुझको लौटा दे ताकि हम नकमल करें अब आखिरी वक्त में खाक मुसलमान होंगे तो आखिरी वक्त में कुछ नहीं होता कुछ नहीं है तो उसके ज़बान की बातें हैं जो कह रहे हैं अब बीच में पर्दा हायल हो गया है क्या तक के लिए अफसोस करेंगे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं मुर्दे चीखते हैं चिल्लाते हैं पता चला मुर्दे चीखते भी हैं चिल्लाते भी हैं लेकिन कभी आपने सुना यह कहा जाए कि मुर्दे चीखते हैं चिल्लाते हैं बहुत कम सुनने को आता। मारा जाएगा गुर से तो चीखेगा चिल्लाएगा मुर्दे कब्र के अंदर नेमत से फायदा भी उठाते हैं अल्लाह ताला उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करता है